धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सपदा का जिस समय अर्थ आता है तो हम अपने महापुरुष को स्पर्श पर द्वितीयंपि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा दातेऽम्पि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा ओकाशा अहं हन्ति त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं एकमेवन्ति द्वितीयंपि ओकाशा अहं वन्ति त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगेन तत्वा शीलं एकमेवन्ति दातेऽम्पि ओकाशा अहं वन्ति त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं एकमेवन्ति यमहं वदामि तं वदेथ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि
शरणागमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वीरमणि शिखापतं समादयामि अभिन्नदानाभिरमणि शिखापतं समादयामि स्वामी समीक्षाचाराभिरमणि शिखापतं समादयामि मूषाकाभिरमणि शिखापतं समादयामि सुराभिरयमद्यपमादकानाभिरमणि शिखापतं समादयामि साधु साधु तीर्थगण सत्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सच्चितं कत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेतः साधु साधु महाकार्मिक भगवान तथागत बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मंचासीन पूज्य कुसंग उपस्थित सभी धम्म उपासिका उपासक आज का दिन यानी अभी सिद्धार्थ का जन्म नहीं हुआ है लेकिन उनके जन्मदिन के उपलक्ष में 2563 में बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष में आज 30,000 कोर्ट के अंदर तहसील के अंदर आज ये प्रोग्राम रखा गया तो हम आपके सबके लिए सभी इधर कपिल वस्तु के लोग पानी के लिए किल्लत करते थे उधर उनके नंसार के लोग वो भी बड़े परेशान होते थे तो कोलियों को ज्यादा सताया जाता था वो कमजोर पड़ जाते थे साथ मजबूत पड़ जाते तो उसी के कारण सिद्धार्थ ने ये विचार निश्चय किया कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है अवैर से ही वैर शांत होता है तो क्यों ना मैं बहुत शर्तें आई वहां शील का एक माध्यम था जैसे शील हमने दिया है अभी तो पूरा परिवार शीलवान था और पूरा परिवार शीलों पे ही चलता था लेकिन फिर भी उन शीलों का पालन करते हुए सिद्धार्थ ने अपने शील को पूर्ण रूप से मजबूती से उसने उसका पालन किया और सिद्धार्थ ने कहा कि मैं अब देश निकाला जाऊंगा तो देश निकलने के लिए वो तैयार हुए तो उनका जब गृह त्याग होता है उस समय सिद्धार्थ से जब गृह त्याग करते हैं तो इधर यशोधरा जो उनकी पत्नी है वो सूख में डूबी हुई है तो वहां का पूरा घर ही सूना हो गया। दूसरा महाप्रजापति महामाया के पास में उस बच्चे को पालन पोषण किया उनके भी एक बच्चा था नंद लेकिन नंद को दूसरी ताई को दे दिया और उस नंद को जो दूध पिलाना था वो महाप्रजापति ने सिद्धार्थ को पिला सिद्धार्थ का पालन पोषण करके उसे जवान किया उन्होंने भी बड़ा शोक किया। इधर राजा सुद्धोधन को जो घटना पहले जिन ऋषियों ने बोला था कि ये गृह त्याग करेगा और गृह त्यागी होगा तो वो घटना राजा सुद्धोधन के मन में खटक रही थी और वो घड़ी जब नजदीक आई तो उन्होंने छन्न को बुलाया कि छन्न तुमने सिद्धार्थ के साथ में पूरा बचपन देखा है इसका पूरा बचपन बिताया है इसका
और आज तुम इसे किसी भी तरह से समझा बुझा के और इसको तरीके तरीके से प्रलोभन देना, जिससे कि मतलब जो है ना ये वापिस आ जाए। तो जैसा राजा का हुक्म था छेने ने वो स्वीकार किया। सिद्धार्थ का अति प्रिय घोड़ा जिसका नाम कंतक था, उस कंतक घोड़े पर बैठाकर और चंद जिस समय कपिल वस्तु से निकलते हैं तो सारा नगर शोक में डूबा हुआ होता। तो उसी के लिए मैं दो शब्द आपके लिए कहूंगा। तो छन्न रास्ते में कहते जाते हैं का भी दुख नहीं है, अपनी पत्नी का भी दुख नहीं है, अभी तो वो 7 दिन का बच्चा है राहुल, उसका भी दुख नहीं है, ये सुद्रा का भी दुख नहीं है। महाप्रजापति और राजा सुद्धोधन प्रस्ताव होने जा रहे हैं, अरे किसी का तो दुख होना चाहिए। दुख, अरे जिस दुख के लिए मैं निकला हूं और ये जो दुख होता क्यों है उसके लिए मैं जा रहा हूं और तुम उस दुख की बात कर रहे हो। चंद कुछ और कहो, तुम दुख मत करो। तो कहा ना करो समझो छन्न। सिद्धार्थ समझा रहे हैं छन्न के लिए रोना पीटना, जब घर से एक मृत्यु हो जाती है आदमी जाता है और सारा परिवार जो ना रो रो कर पीट कर अपना सारा शरीर बेकार कर लेते हैं, लेकिन जाने वाला जाता है वो कभी वापिस नहीं आता। ना शोक करो समझो छन्न, इस जग का चलन ऐसा ही है, ना शोक करो समझो छन्न। ये संसार है, यहाँ आवागमन है, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, यहाँ कोई नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। तो आप विलास किसके लिए कर रहे हो? वो कहते हैं फिर सिद्धार्थ, कहाँ माँ तू मेरी, कहाँ था तू मेरे, कहाँ साथ सका, कहाँ था तू मेरे। न मेरी माँ है साथ में, न मेरे पिता है, न मेरा कोई भाई साथ में है, ना कोई मेरे परिवार का है। तो छन्न तुम किसके लिए रो रहे हो, किसके लिए तुम दुख कर रहे हो? कहाँ माँ तू मेरी, कहाँ था तू मेरे, कहाँ साथ सका, कहाँ प्राण तू मेरे। नहीं अर्धांगिनी अब साथ मेरे, नहीं अर्धांगिनी अब साथ मेरे, टूटे बंधन ऐसा ही है, ना शोक करो समझो छन्न। और छन्न विलाप करना रोना ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कोई भला नहीं होना है। तुम ज्ञान की दृष्टि पे आओ, जैसे चौदिस से आते हैं पक्षी गण, चारों दिशाओं से पक्षी उड़ते हैं, सारे दिन भ्रमण करते हैं, चौदिस से आते हैं पक्षी गण और तर पर पैर करते रात्रि रमण, यानी तरवर माने पेड़, तरवर पे करते रात्रि रमण, पर भोर होत करते भ्रमण, पर भोर होत करते भ्रमण, उनका जीवन
ऐसा ही है ना, शोक करो समझो जन। और जन जैसे कि एक राजा और एक सेना, लास्ट बोल रहा हूं, जैसे कि एक राजा और एक सेना, अगर सेना सैनिक सैनिक अगर सेना में मारा जाता है तो उसका कौन नाम लेता है, कोई पता ही नहीं लगता है उसका। तो इसलिए अगर मैं सेना में होता और सेना में रहते हुए मैं मारा जाता तो मेरा क्या होता, मुझे मेरा नाम कौन लेगा। लेकिन मैं उस कार्य को जा रहा हूं करने जिससे कि मेरी पत्नी का भी मुझे समर्थन मिला है। पत्नी ने, वो वीर पत्नी थी जिसने अपने पति को जाने से नहीं रोका, और उस पत्नी ने कहा कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो, आप अपने अकेले के लिए नहीं जा रहे हो, सारे संसार के लिए जा रहे हो, तो मेरा आपके लिए समर्थन है। उस पत्नी ने ये समर्थन दिया, फिर कहा एक सत्य सत्य बताऊं तुम्हें, प्रकृति की गति कब हो न तमें, मृत्यु कर देगी अलग हमें, मृत्यु कर देगी अलग हमें, विद्वानों का कथन ऐसा ही है ना, शोक करो समझो जन। सभी ने बोलेंगे साधु साधु। अब जो आपका कार्य है आप अपना कार्य करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।